हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन XR की। तो अभी मैंने जो रिसेंटली आईफोन SE की वीडियो दी थी सेकंड हैंड वाली, उसमें काफ़ी बंदों का कंसर्न था कि भाई और डिवाइसेस के बारे में बताओ। तो करंटली अभी मेरे पास है ना आईफोन XR अवेलेबल था, तो सोचा मैंने इसकी भी वीडियो डाल देता हूँ। तो इस डिवाइस को ना मैंने काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ किया है, मतलब कि मेरा भाई यूज़ करता है इस वाले डिवाइस को और काफ़ी बढ़िया चल रहा है अभी। मतलब कि और इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिले, वो सारी सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और ये डिवाइस भी मैंने सेकंड हैंड ही बाय किया था, कोई न्यू डिवाइस नहीं है। तो यहां पर मेजरली क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और क्या क्या चीजें आपको देखनी है सेकंड हैंड डिवाइस लेने से पहले, वो सारी की सारी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और इसका एक कैमरा टेस्ट भी होगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप सेकंड हैंड डिवाइस लेने जाते हो ना, तो कुछ मतलब की मेजरली गलतियां हैं जो कि लोग करते हैं, तो वो मैं बता देता हूं। ये मैं अपनी हर वीडियो में बता देता हूँ सेकंड हैंड डिवाइस वाली जिनमें भी है। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको है ना मतलब कि डिस्प्ले चेक कर लेने कि आपकी डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो उसका जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो होता है कि अगर आपके डिवाइस में फेस आईडी है, अगर आपकी फेस आईडी वर्किंग है, तो आप 50% श्योर हो जाओगे कि आपकी जो डिस्प्ले है वो रिप्लेस्ड नहीं है। देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो फेस आईडी के अलावा आपका जो ट्रू टोन है वो वर्किंग है या नहीं है, क्योंकि जितनी भी डिस्प्ले चेंज वगैरह होती है ना, तो उनमें ट्रू टोन वगैरह वर्क नहीं करता और साथ ही साथ फेस आईडी भी वर्क नहीं करती, क्योंकि एप्पल की जो डिस्प्ले है वो पेयर करना जरूरी है पुरानी वाले डिस्प्ले के साथ में। अगर ये दोनों चीजें वर्किंग है आपके डिवाइस में, तो आपकी डिस्प्ले बिल्कुल ओरिजिनल है, और अगर ओरिजिनल नहीं भी है तो परफेक्टली पेयर्ड है, मतलब आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो यहां पर है ना फ्रंट में आपको 6.1 इंचेस की एक मतलब कि लिक्विड रेटिना आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो यहां पर कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका ट्रू टोन वर्किंग है तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छे कलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। बट हाँ वो जो परफेक्ट डार्क्स वाला जो सीन है ना एमोलेड वाला, वो तो आपको मिलेगा नहीं। बट हाँ इवन जो डिस्प्ले है काफी अच्छी है, बट हाँ बेजल्स आपको थोड़े बहुत फील हो जाएंगे अगर आपने कोई आगे का आईफोन यूज कर रखा है, मतलब कि 11 में तो इतने फर्क नहीं है, लेकिन 12 13 वगैरह आपने यूज किया है तो डेफिनेटली आपको बेजल्स थोड़े ज्यादा लगेंगे। और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो यहां पर सिर्फ 625 निट्स की डिस्प्ले मिलती है, जो कि आउटडोर कंडीशन में मेरे हिसाब से इतने अच्छी वर्क नहीं करते, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक वीडियो सैंपल दिखा देता हूं जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है। और यहां इस कंडीशन के अंदर मतलब कि मैं बिल्कुल धूप में भी नहीं हूं, फिर भी डिस्प्ले इतनी अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है, तो जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम है यहां पर। हां इंडोर कंडीशन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी डिस्प्ले में। वहीं पर फ्रंट में आपको अपनी फेस आईडी और जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में है ना 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसके ऊपर मैं वीडियो के लास्ट में आऊंगा। और बात करूं बैक में, तो यहां पर आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में, तो बैक में आपको कंप्लीटली ग्लास देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बैक में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफी बढ़िया फोटोज निकाल के देता है। आपको सारे सैंपल मैं कैमरा सेक्शन में शो करूंगा। और अगर बात करूं ना बैक और फ्रंट में, तो दोनों ही जगह आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिलता है, मतलब कि लेकिन एप्पल ने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा है, लेकिन हाँ ये है कि भाई गिरेगा तो डेफिनेटली टूट जाता है आईफोन का, तो ये सिनेरियो है। बहुत ही रेयर चांसेस में आपका डिवाइस बचता है, लेकिन बैक ग्लास तो डेफिनेटली टूटता है, तो वो प्रोटेक्शन वगैरह आप लगा के रख सकते हो, कवर लगाओ या फिर पीछे कुछ भी लगाओ। और साथ ही साथ ये जो डिवाइस है ना IP67 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिल जाता है आपको। और बात करो प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको A12 बायोनिक चिप देखने को मिल जाती है, जो कि 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है, लेकिन हाँ एप्पल वाले जो केसेस में जितनी भी चिप सेट आती है इनकी काफी बेटर परफॉर्म करती है। इवन इस टाइम पे भी जो इसके अंदर BGMI वगैरह ना काफी बढ़िया चल जाता है स्मूथ पे एक्सट्रीम, 60 FPS आपको कॉन्स्टेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ा मतलब कि ज्यादा ही तगड़ी सिचुएशन हो जाती है तो वहां पर थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करूं स्पीकर्स की, तो यहां पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, एक तो आपका जो मेन स्पीकर है वो है, और साथ ही साथ एक जो आपका ईयर पीस है ना वो भी एज ए स्पीकर यूज होता है जब भी आप कोई सॉन्ग वगैरह या फिर वीडियो वगैरह प्ले करते हो। यहां पर ब्लूटूथ वर्जन आपको 5.0 मिल जाता है, और जितने भी सेंसर है बेसिक सारे के सारे सेंसर मिलते हैं, तो इन चीजों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बात करूं इसकी बैटरी की, तो यहां पर आपको 2942 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि इस डिवाइस के हिसाब से मे भी आपको कम लग रही हो। एक्चुअली में जो डिवाइस की जो डिस्प्ले साइज है उस हिसाब से आपको बैटरी थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि ये पहले का डिवाइस है तो यहाँ पर बैटरी आपको थोड़ी कम मिलेगी। हाँ लेकिन आपका 4 से 5 घंटे का जो कॉन्स्टेंट है ना वो निकाल देता है स्क्रीन टाइम, और वो आपकी बैटरी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी हेल्थ कितनी है। ज्यादा पुरानी बैटरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड हैंड डिवाइस लेते हो तो मेजरली आपको बैटरी रिप्लेस्ड मिलेगी, क्योंकि जो शॉपकीपर्स है वो बैटरी चेंज कर देते हैं ताकि आपको एक बढ़िया बैटरी बैकअप मिल जाए। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेक्शन के बारे में, जो कि मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से मतलब यूज करके देख चुका हूं इस डिवाइस को। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ना रियर कैमरा की, तो यहां पर आपको 12 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, सिंगल कैमरा है। यहां पर आपको फोटोज काफी बढ़िया मिलती है, मैं आपको कुछ फोटो सैंपल दिखा देता हूं। आपको फोटोज के अंदर डायनेमिक रेंज काफी बढ़िया मिल जाएगी, साथ ही साथ यहां पर फोटोज के अंदर आपको शार्पनेस बढ़िया मिल जाएगी। अगर डायरेक्टली मतलब कि हार्श लाइट कंडीशन में भी अगर फोटोज क्लिक करते हो तो यहां पर आपको बैक लाइट का कोई भी इशू नहीं मिलेगा, मतलब कि आपका जो फेस और जो बैकग्राउंड है ना उसको काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। मतलब कि जो फोटो क्वालिटी है ना आपको इस डिवाइस के अंदर 12 मेगापिक्सल के हिसाब से काफी बढ़िया मिलती है, हर
कंडीशन के अंदर मतलब कि बैलेंस रखता है और साथ ही साथ फोटो को ओवर सैचुरेट नहीं करता। क्लोज टू नेचुरल कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और फोटो इतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं आती है। हाँ, आपको एक इशू मिल सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि जो फोटो है ना वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड है, जहां पर ह्यूमन सब्जेक्ट नहीं है उन फोटोज में आप देख सकते हो हल्की सी आपको एक्सपोजर ज्यादा लग रहा होगा। ओवरऑल फोटो सैंपल काफी बढ़िया आते हैं इसके बैक कैमरा से। वहीं पर बात करूं बैक कैमरा की वीडियो की, तो वीडियो में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं 4K 24fps 30fps 60fps, साथ ही साथ 1080p में भी 30 60 सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी बेसिक फीचर्स आते हैं मतलब कि एप्पल के कैमरा सेक्शन में आपको मिल जाते हैं, कुछ ज्यादा गिमिक फीचर्स वगैरह आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। रियर की एक वीडियो सैंपल में आपको शो कर देता हूं। सो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये आईफोन XR से रिकॉर्ड हो रही है इसके बैक कैमरा से और 1080p 60fps में रिकॉर्ड कर रहा हूं। साथ ही साथ यहां पर आपको ऑप्शंस सारे मिल जाते हैं रिकॉर्डिंग के 4K वगैरह के, और यहाँ पर है ना बैक कैमरा के अंदर आपको OIS का ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे कि आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है और मतलब कि वीडियो के अंदर सेक वगैरह नहीं आएगा अगर आप चलते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो। और जो आपने वीडियो सैंपल है वो भी देख लिया, यहाँ पर जो मतलब कि बैक लाइट से मतलब कि जो लाइट आती है वीडियो के अंदर उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल लेता है डे टाइम के अंदर, और नाइट टाइम में भी आप है ना इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत ग्रेन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात अल्ट्रा वाइड वगैरह की, तो यहाँ पर आपको कोई अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता तो उसकी फोटोज भी नहीं मिल सकती आपको। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहां पर फ्रंट में आपको ना 7 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाता है जहां पर फोटोज है ना डिसेंट आती है, मतलब कि आईफोन SE जो सेकंड जनरेशन था उसके अंदर भी 7 मेगापिक्सल कैमरा था बट उससे बेटर फोटोज आती हैं। या फोटो सैंपल्स आप देख लो, सारी की सारी फोटोज हैं यहां पर। यह है कि आपको फोटो के अंदर डिटेल्स काफी बढ़िया मिल जाती है और साथ ही साथ जो बैक लाइट वगैरह का इशू है वो कुछ भी नहीं मिलता, आपका फेस है वो काफी बढ़िया तरीके से निकाल देता है। पोर्ट्रेट्स भी आप देख सकते हो फ्रंट की, एज डिटेक्शन काफी बढ़िया कर लेता है। हेयर्स वगैरह में थोड़ा बहुत आपको इशू मिल जाएगा कभी कभार, लेकिन हर टाइम पे आपको जो पोर्ट्रेट्स है ना वो काफी बढ़िया निकाल के देता है। और यहां पर भी ओवर एक्सपोज वगैरह कोई भी सीन नहीं है, साथ ही साथ आपको क्लोज टू नेचुरल फोटोज मिलेंगी, तो अगर आपको पोस्ट वगैरह करनी है तो थोड़ी बहुत आपको मतलब कि एडिट करनी पड़ जाएंगी, वो आप कहीं से भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आपको एक छोटा सा अपग्रेड मिलता है कि यहां पर आपको 1080p 60fps का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रंट की एक बार मैं वीडियो सैंपल आपको दिखा देता हूं। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है और 1080p 60fps पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहां पर आपको फ्रंट में कोई OIS नहीं मिलता, EIS मिल जाता है, तो मतलब कि वीडियो के अंदर इतना सेक वगैरह नहीं आएगा, मैनेज कर लेता है। और साथ ही साथ फ्रंट में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं 60fps में, 4K का ऑप्शन फ्रंट में नहीं मिलता है। और ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है ना आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, आप स्किन टोन देख सकते हो, और साथ ही साथ जो बैक में मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब इसने लाइट अप कर रखा है, स्काई वगैरह कलर भी आप देख सकते हो, क्लाउड्स भी आपको इजीली विजिबल होंगे, तो ऐसा नहीं है फेस को मतलब कि ब्राइट करने के चक्कर में पीछे का सारा ओवर एक्सपोज कर रहा हो। तो ये कुछ ऐसी वीडियो सैंपल मिलती है आपको फ्रंट से। तो यहाँ पर अगर आप व्लॉगिंग वगैरह के लिए कोई सस्ता डिवाइस ढूंढ रहे हो, आप स्टार्ट ही कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप आईफोन XR की तरफ जा सकते हो। आपको मतलब कि स्क्रीन भी बढ़िया मिल जाएगी, आप इसी के अंदर भी एडिट कर पाओगे, प्रोसेसर अच्छा है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आईफोन XR के बारे में मैंने बता दी, और इस डिवाइस को तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया है, मतलब कि मैंने नहीं, मेरे फैमिली में किसी ने, बट हाँ इवनली मेरे को सारी चीज़ें पता थी इस डिवाइस के बारे में कि क्या 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 नहीं है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें कट टू कट बता दी हैं बेस्ट से बेस्ट, और सेकंड हैंड लेने जाते हो तो डेफिनेटली जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना। फिर भी अगर आपका कोई इश्यू रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कौन से न्यू डिवाइस की वीडियो आप देखना चाहोगे वो भी आप बता देना। सो ये थी सिंपल सी शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।